कि त्रेता युग के समय में एक बार भगवान शंकर के हृदय में कथा सुनने की इच्छा। जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो भगवान शंकर मैया सती को साथ में लेकर, सती मैया का नाम सुना है आपने, सती मैया कौन है तो ये पार्वती मैया का पिछला जो जन्म था वो था मैया सती का। सती मैया को साथ में लेकर भगवान शंकर कथा सुनने चले। कहाँ गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि का एक नाम और है, क्या है? कुंभज। इनका जन्म घड़े से भया, इसी कारण ये कुंभज कहलाए। अगस्त ऋषि, आप जितनी पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं ना, ये सभी पर्वतों के गुरु हैं श्री अगस्त जी महाराज। अगस्त जी महाराज सभी पर्वतमालाओं के गुरुदेव हैं। आपने विंध्य पर्वत का नाम सुना है, जहां पर मैया विंध्याचल मैया का मंदिर है, माँ विराजती हैं। एक बार विंध्य पर्वत अपना विस्तार करने लगा, इतना बढ़ने लगा, ऐसा लगता था मानो कि अब सूर्य के प्रभाव को, प्रकाश को ही रोक देगा। तो सभी देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करी, तो शंकर जी ने अगस्त ऋषि के बारे में कहा। सभी देवता अगस्त ऋषि के पास गए कि आपके शिष्य हैं विंध्य, आप जाकर उनको समझाएंगे तो आपकी बात अवश्य मानेंगे। अगस्त ऋषि उस समय काशी में निवास करते थे। अगस्त ऋषि ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं काशी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। भगवान शिव ने आकर के अगस्त ऋषि से कहा कि आज जगत कल्याण के लिए हे मुनिवर, आपको मेरी काशी छोड़नी होगी और जाकर आगे की इस चर्चा को संभालना होगा। उस समय अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु, काशी में रहने वाला एक कौवा भी अपने जीवन के रहते हुए काशी नहीं छोड़ना चाहता, और आप जीवित रहते हुए मेरी काशी छुड़वाना चाहते हैं। उस समय भगवान शिव ने कहा था, मुनिवर आज जग कल्याण के लिए आप यहाँ से प्रस्थान करिए, मैं वचन देता हूँ एक दिन सपरिवार मैं आपके आश्रम में स्वयं चलकर आऊंगा और प्रभु की कथा सुनूंगा। भगवान शंकर के आदेशानुसार अगस्त ऋषि आए, जैसे विंध्य पर्वत ने अपने गुरुदेव को देखा तो झुक कर चरणों में प्रणाम किया और यह प्रश्न किया कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। अगस्त ऋषि ने कहा, आज्ञा मैं आ करके दूंगा, तब तक किसी प्रकार मेरी प्रतीक्षा करो, मैं लौट कर आता हूँ फिर बताता हूँ। तब से लेकर एक सिरमौर नाम का स्थान है, रीवा के क्षेत्र में पड़ता है, कहते हैं ये विंध्य पर्वत का ही प्रणाम करने का एक वह जो मुद्रा थी, झुका हुआ मस्तक था, ये वही स्थान है। और आज उस वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर माँ सती के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम आए। कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ करने के पूर्व एक बड़ी, एक विचित्र भी कह सकते हैं या एक प्रभु की लीला से घटित हुई घटना कह सकते हैं। अगस्त ऋषि ने जब देवों के देव महादेव को द्वार पर देखा तो तुरंत भगवान शिव को भीतर पधराया, माँ को पधराया, आसन दिया और स्वागत सत्कार करना शुरू किया। जबकि जानते हैं कि बाबा कथा सुनने आए हैं और हम कथावाचक बन के अभी मंच पर बैठेंगे, फिर भी आज श्रोता ने वक्ता का सम्मान करना शुरू किया। भगवान शिव ने विचारा कि ये इनके हृदय की सरलता है, जो वक्ता होने का तनिक भी अभिमान नहीं है इनके भीतर। पर यही दृश्य देखकर मैया सती को लगा कि शायद इनको ज्ञान नहीं है कि किसको किसकी पूजा करनी चाहिए। अब हुई क्या इसके आगे की चर्चा, परिणाम क्या? कथा प्रारंभ हुई, अगस्त ऋषि कथा गा रहे हैं, भगवान शंकर आनंद से कथा सुन रहे हैं। जो कथा प्रारंभ हुई, एक ही संत गा रहे हैं, एक ही कथा गा रहे हैं, पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले प्रार्थना करी, वही कथा बाबा के हृदय में खूब अच्छे से आनंद दे रही है और मैया सती बैठी तो हैं पर कथा मैया के हृदय में नहीं बैठ रही। क्यों? क्योंकि माँ का चित्त कथा में है ही नहीं। माँ ने प्रारंभ से ही विचार कर लिया, जिनको छोटी सी चीज नहीं पता कि कौन किसकी पूजा करे, इनको पूरी राम कथा थोड़ी ना आती हो। यही विचार लेके मैया कथा में तो बैठी रही, पर कथा संपन्न हुई, माँ का ध्यान कथा में नहीं था। मैं बार बार इसीलिए निवेदन करती हूँ, आप कथा में आइए, आप किसी मंदिर में जाइए तो उस समय फोन निकाल कर सेल्फी पर फोकस मत। आदमी से अगर कहो भैया सेल्फी, अरे याद रहेगा,
अरे इससे अच्छा कैमरा और कोई संसार में है क्या? भगवान ने तो इतने अच्छे लेंस वाले कैमरे दिए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अरे इस कैमरे में तस्वीर उतारो ना भैया, इस कैमरे में अगर तस्वीर उतर गई तो जीवन में इसका डेटा कभी भी डिलीट होने वाला नहीं है। और जिस फोन की आस में आप बैठे हैं, कोनो दिन चोरी हो गया, हेरा गया ना, तो कुल डेटा तो आपका गया। फिर याद करते रहिए कोने मंदिर में गए थे। जब भगवान के पास जाइए तो उसमें खुद को आप देखने के लिए मत जाइए। होत का है, आदमी जाता है खाली कैमरे टांगे रह जाता, भगवान का पूरा निकल गया पारी, धक्का खाते खाते बहिरे का देखे कचु नहीं, फोटो खींच के आए। विशेष सावधानी रखी जाए, बात छोटी सी है, बड़ी बात नहीं है। जब आप दर्शन करने गए हैं तो पूरा ध्यान आपका केवल, मैंने तो संतों से इतना तक सुना है कि मंदिर में आप प्रवेश करने जाइए, पहली सीढ़ी पर पैर पड़ते ही आप मौन हो जाइए, कोई चर्चा नहीं, फलाना कहाँ गया, ढिमाका कहाँ गया, छोटका कहाँ हेराया, बड़का कहाँ हेराया, कुल मिलेंगे मंदिर के बहिरे आपको, एक को नहीं हेराएंगे, चिंता मत करिए। तुमने दर्शन किया, अरे वो कर लेंगे, तुम करो, आप जो करने गए आप वो करिए। हजार किलोमीटर आदमी जाता है और वहां का करके, भैया भगवान कैसे सुंदर दिख रहे थे, तो सुंदर तो पूरी दुनिया के भगवान है, ऐसा कहीं है कि हमारे भगवान सुंदर ना हो? आपने क्या देखा? आंखें देखी क्या? चरण देखे क्या? मुस्कान देखी क्या? का देख के आए? तो मंदिरवा में जो टाइल्स लगा था वो देख क्या, बहुत नीक टाइल्स है, झूमर बड़ा सुंदर लगा है, झूमर लाद के ले जाएंगे कि टाइल्स उखाड़ के ले जाएंगे? अरे जो साथ में जाने वाला है वो तो बस आया ही नहीं, केवल देख कर आ गए। भगवान ने क्या पहना है? हाँ नारंगी रंग का वस्त्र है, बहुत सुंदर। तो कल तो पुजारी जी नीला पहना देंगे, अब क्या करेंगे? उस छवि को मन में ऐसा बसाइए कि आपके मन में वो छवि छप जानी चाहिए। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ जलेबी, कुछ दिमाग में चित्र बना कि जलेबी कैसे होत है? अरे बोलिए, तस्वीर बनी कैसी होती है? जलेबी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती, गोल है पर टेढ़ी बहुत होती, बन गई ना तस्वीर। क्या मुझे बताना पड़ा क्या ऐसे होती है ऐसे होती है? नहीं, जो आपके चित्त में चिपका है उसे बताने की जरूरत नहीं। हम कहें हवाई जहाज तो सबको पता है हवाई जहाज कैसे होते हैं, मैं कहूँ मोटरसाइकिल तो बताना नहीं है कि भैया उसमें दो हैंडल होता है तो ब्रेक होता है तो लाइट, नहीं सबको पता है। जो चीज यहाँ चिपक गई है बताने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर हम कहें कि राम लला, अब आदमी खोपड़ी लगाएगा कैसे है राम लला, कहाँ वाले राम लला? अरे जहाँ वाले को आपने दिल में बसाया है उनकी छवि तो दिल में उतर जानी चाहिए ना। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम शरीर से तो वहां पहुंच जाते हैं, पर रील्स बनाने से जिस दिन फुर्सत निकलेगी ना, उस दिन आपके हृदय में भी तस्वीर उतरेगी। रील पे मत जाइए, रियल लाइफ पे जाइए। रील से काम आने वाली नहीं है, रियल लाइफ ही काम आने वाली है। भगवान शिव ने जो कथा सुनी, माँ बेटी है पर कथा पर ध्यान नहीं, कथा जैसे संपन्न भई। भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान दिया, भक्ति का वरदान दिया। और आगे वो स्वामी जी कहते हैं, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। माँ को साथ में लेकर भगवान शिव वहां से प्रस्थान किए।